आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा आम आदमी के लिए अच्छी खबर, सिर्फ 5 मिनट में अंगूठा लगाकर एटीएम से निकाल सकेंगे राशन, मिलेगा पूरा अनाज, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको उस अपडेट में। साथ ही स्कूल और कॉलेजों को खोलने को लेकर आज एक बड़ी खबर निकल कर आ रही सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही पूरे देश में दुकानदारों को पेटीएम का बड़ा तोहफा, अब मुफ्त में मिलेगा पेटीएम स्पीकर, साथ में मिलेगी कई तरह की सुविधाएं, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही इस तारीख को देश भर में बिजली गुल होने की है आशंका, सरकार का फैसला बन सकता है इसके पीछे वजह, क्या है ये वजह बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए आज एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको अगर इस अपडेट में। साथ ही बैंक खाताधारकों को झटका, अब ये बैंक डोरस्टेप बैंकिंग के लिए वसूलेगा चार्ज, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही पबजी गेम खेलने वालों के लिए आज एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आगे आपको इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो पूरे देश के दुकानदारों को पेटीएम का बड़ा तोहफा, अब मुफ्त में मिलेगा पेटीएम स्पीकर, साथ में मिलेगी कई तरह की सुविधाएं। भारत के अग्रणी डिजिटल वित्तीय सेवा मंच पेटीएम ने घोषणा की है कि वे देश भर के दुकानदारों को प्रभावी रूप से शून्य लागत पर पेटीएम साउंड बॉक्स का मालिक होने का मौका दे रहा है। पेटीएम स्पीकर के रूप में लोकप्रिय पेमेंट ऐप पेटीएम साउंड बॉक्स को पेटीएम फॉर बिजनेस जो ऐप है उसका उपयोग करके खरीदने पर 299 रुपये की भारी छूटियां पर दे रही है। इसके अलावा व्यापारी और व्यवसायिक जो मालिक महीने में जो 50 डिजिटल लेन देन यहाँ पर पंजीकृत करते हैं उन्हें हर माह 5 माह के लिए यहाँ पर 60 रुपये का सुनिश्चित यहाँ पर कैशबैक मिलेगा, जिससे डिवाइस की कीमत शून्य हो जाएगी। कंपनी का मानना है कि इस ऑफर से देश भर के छोटे दुकानदारों को डिजिटल ट्रांजेक्शन अपनाने में मदद मिलेगी और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में देश भर में वृद्धि होगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो SBI ने अपने करोड़ों ग्राहकों के लिए जारी किया है अलर्ट, आज और कल इतने घंटों तक नहीं मिलेगी आपको बैंकिंग सर्विस, नोट करें टाइम। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को अलर्ट जारी किया है। बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए एक ट्वीट यहाँ पर किया है जिसमें उसने जानकारी दी है कि आज 16 जुलाई को 2 घंटे और 30 मिनट के लिए कुछ जो बैंक की खास सर्विस है वो बंद रहेगी, इस दौरान इन सर्विस का इस्तेमाल आप नहीं कर सकेंगे। बैंक ने साफ किया है कि ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट में कोई दिक्कत ना हो इसके लिए बैंक एप्लीकेशन का यहाँ पर काम करता रहेगा, जो एप्लीकेशन है उसका यहाँ पर काम करेगा। अगर आप भी SBI के कस्टमर हैं तो तारीख और टाइम नोट कर लें। SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने ग्राहकों से जुड़ी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर एक्टिवली ट्विटर पर अपने ग्राहकों को अलर्ट यहाँ पर भेजता रहता है। हालांकि बैंक SMS और ईमेल के जरिए भी अलर्ट यहाँ पर करता है, खासकर डिजिटल पेमेंट में। यहाँ पर डिजिटल पेमेंट को बेहतर बनाने के लिए बैंक लगातार मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन का काम यहाँ पर करता है, वही गुरुवार को भी अपग्रेडेशन का काम यहाँ पर चलेगा। वही SBI बैंक के मुताबिक 16 जुलाई 2021 को रात 10:45 से सुबह यहाँ पर 1:15 के बीच बैंक का मेंटेनेंस एक्टिविटी यहाँ पर एक्टिविटी बैंक की मेंटेनेंस एक्टिविटी होगी। इस दौरान 2:30 के लिए इंटरनेट बैंकिंग, येनो ऐप और येनो लाइट और UPI सेवाएं बंद रहेगी, ग्राहक को इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे, मतलब इनका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। SBI ने यहाँ पर ये ट्वीट करके जानकारी दी है। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए फिर चलेगी वंदे भारत ट्रेन। रेलवे की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है, कोरोना संक्रमण की सुधरते हालतों के बीच रेलवे ने अपनी रद्द ट्रेनों को फिर से चरणबद्ध तरीके से बहाल करने का फैसला किया है। उत्तरी रेलवे की ओर से 3 जोड़ी ट्रेनों को 21 जुलाई से बहाल करने का फैसला लिया गया है। नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच दोनों दिशाओं में चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को 21 जुलाई से आगामी सूचना तक बहाल करने का निर्णय यहां पर लिया गया है। वहीं उत्तरी पूर्वी रेलवे के प्रवक्ता दीपक कुमार के मुताबिक रेलगाड़ी नई दिल्ली माता वैष्णो देवी के बीच 21 जुलाई से यहाँ पर आगामी सूचना तक ये बहाल यहाँ पर रहेगी। वही रेलगाड़ी यहाँ पर हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से यहाँ पर गतिमान एक्सप्रेस सेवा भी 31 जुलाई से यहाँ पर आगे सूचना तक ये चालू करने का फैसला यहाँ पर रेलवे की ओर से लिया गया। इसके अलावा जबलपुर हरिद्वार साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन को भी 21 जुलाई से शुरू करने का फैसला यहाँ पर रेलवे की ओर से लिया गया है। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो व्हाट्सएप पर आया है जबरदस्त फीचर, फोन बंद होने पर भी होगी चैटिंग। व्हाट्सएप यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है, जिस फीचर का यूजर्स बेसब्री से इंतजार था आखिरकार वे रोल आउट होना शुरू हो गया है। वही व्हाट्सएप का यह नया फीचर मल्टी डिवाइस सपोर्ट है, इस फीचर की मदद से यूजर्स फोन के अलावा 4 अलग अलग डिवाइस पर एक साथ व्हाट्सएप चला सकेंगे। खास बात यह कि अलग अलग डिवाइस से व्हाट्सएप अकाउंट लिंक होने के बावजूद यूजर्स की प्राइवेसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंपनी इस फीचर को एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के साथ ऑफर कर रही है।
वही मल्टी डिवाइस सपोर्ट की खासियत है कि फोन एक्टिवेट ना रहने पर, इंटरनेट से कनेक्ट ना होने पर यूजर्स दूसरे डिवाइस जैसे कि लैपटॉप, डेस्कटॉप, व्हाट्सएप चैटिंग का इस्तेमाल यहाँ पर लुत्फ उठा सकेंगे। हालांकि दूसरे डिवाइस पर व्हाट्सएप एक्सेस करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन जरूरी होगा। वही कंपनी के इस फीचर को बीटा वर्जन में रोल आउट कर दिया गया है। वही बीटा वर्जन में ये फिलहाल चल रहा है। वही यहाँ पर व्हाट्सएप के यहाँ पर हेड ने कहा है कि बीटा वर्जन के रोल किए जा रहे मल्टी डिवाइस सपोर्ट फीचर की जानकारी अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर उन्होंने दी है। उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट यहां पर करके कहा है कि ट्विटर यूजर्स फोन एक्टिवेट ना रहने पर भी व्हाट्सएप का डेस्कटॉप और वेब एक्सपीरियंस वो ले सकते हैं। नए फीचर को कंपनी बुधवार से रोल आउट करना शुरू कर यहाँ पर कंपनी की ओर से बुधवार की ओर से शुरू कर रहा किया जा रहा है। ये यहाँ पर कंपनी की ओर से जानकारी दी गई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो बैंक ग्राहकों के लिए झटका, अब ये बैंक भी डोरस्टेप बैंकिंग के लिए वसूलेगा चार्ज। देश के सबसे बड़े कर्जदाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों के लिए डोरस्टेप बैंकिंग की सेवा शुरू की थी, जिसके बाद कई सरकारी और निजी बैंकों ने भी अपने अपने ग्राहकों के लिए सेवा शुरू की। हालांकि ग्राहकों को इसके लिए कुछ चार्ज यहाँ पर चुकाने पड़ते हैं। इस कड़ी में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने भी अपने ग्राहकों के लिए डोरस्टेप बैंकिंग शुरू की है। अब बैंक 1 अगस्त 2021 से बड़ा बदलाव यहाँ पर लागू करने जा रहा है, जिसके तहत ग्राहकों को डोरस्टेप बैंकिंग के लिए चार्ज का भुगतान करना होगा। वही इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक फिलहाल अपने ग्राहकों को डोरस्टेप बैंकिंग के लिए कोई चार्ज नहीं लेता है। हालांकि 1 अगस्त 2021 से बैंक अपने हर ग्राहक को चुनिंदा प्रोडक्ट पर सर्विस के लिए हर रिक्वेस्ट पर ₹20 और GST की वसूली यहाँ पर करेगा। इस बारे में बैंक की ओर से नोटिस यहाँ पर जारी कर दिया गया है। बैंक की ओर से नोटिस बताया गया है। नोटिस में कहा गया है कि 1 अगस्त से खातों में फंड ट्रांसफर करने पर ₹20 और GST चुकाना होगा। वहीं दूसरे बैंक खातों पर फंड ट्रांसफर पर इतना ही भुगतान यहाँ पर करना होगा। वहीं इंडियन पोस्ट यहाँ पर जो पेमेंट बैंक है वो यहाँ पर POSSB स्वीप आउट के लिए ₹20 और GST यहाँ पर भुगतान करना होगा। ये बैंक की ओर से जानकारी दी गई है। आम आदमी के लिए अच्छी खबर, अब सिर्फ 5 मिनट में अंगूठा लगाकर ATM से निकलेगा राशन, पूरा मिलेगा अनाज। ग्रेन ATM के जरिए अब आप अनाज निकाल सकते हैं। गुरुग्राम जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश का पहला ग्रेन ATM स्थापित किया गया है। अगर आपको भी पहले कम राशन मिलता था या फिर लंबी लंबी लाइनों में लगाकर घंटों इंतजार करना पड़ता था, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक नई पहल के तहत ग्रेन ATM लगाए गए हैं, यानी आप ATM की मदद से सिर्फ 5 मिनट में अनाज निकाल सकते हैं। देश का यह पहला ATM है जिसमें पैसों की जगह अनाज निकलेगा। आपको बता दें कि ये ATM सिर्फ हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ये यहाँ पर ATM लगाया गया है। इस ATM में सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको कम राशन मिलने की शिकायत पूरी तरह से खत्म हो गई है। हरियाणा के गुरुग्राम जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश का पहला ग्रेन ATM स्थापित यहाँ पर किया गया है। इस ATM मशीन के जरिए आप एक बार में 5 से 7 मिनट में यहाँ पर 70 किलो तक अनाज ले सकते हैं। गुरुग्राम के फारूक नगर में स्थापित किया गया है ये ATM। यहाँ पर ATM की तर्ज पर काम करेगा। उपभोक्ता अपना अंगूठा लगाकर यहाँ से अनाज प्राप्त कर सकेंगे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो भारतीय गेमर्स के लिए खुशखबरी, बैटल ग्राउंड मोबाइल प्लेयर हो जाए तैयार। 1 करोड़ रुपए का प्राइस पूल के साथ टूर्नामेंट का हुआ है ऐलान। भारत में क्रिप्टो ने बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया सीरीज 2021 की घोषणा कर दी है। ये बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया का पहला स्पोर्ट टूर्नामेंट होगा। वही बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को भारत में इसी महीने 2 जुलाई को लॉन्च किया गया था। अब ये स्पोर्ट टूर्नामेंट यहाँ पर करने जा रहा है। ये बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया सीरीज 2021 में सिर्फ भारत के रहने वाले प्लेयर्स इसमें भाग ले सकेंगे। इस सीरीज के लिए क्रिप्टो ने 1 करोड़ का प्राइज यहाँ पर पूल की घोषणा यहाँ पर की है, यानी जीतने वाली टीम को 1 करोड़ रुपए का इनाम यहाँ पर दिया जाएगा। ये सीरीज 3 महीने तक चलेगी। इसमें पहले स्थान पर आने वाले को 50 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा, जबकि दूसरे स्थान पर आने वाले को 25 लाख रुपए की घोषणा की गई है। तीसरे स्थान रहने वाली टीम को 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया। इस टूर्नामेंट में 16वें स्थान तक के लिए यहाँ पर इनाम की घोषणा की गई है। यहाँ आप इसके बारे में डिटेल देख सकते हैं। 4थे स्थान पर रहने वाले को 3 लाख, 5वें स्थान पर 2 और 6ठे स्थान वाले को 1.5 और 7वें स्थान को 1 लाख। इसके बाद के हर रैंक के नीचे यहाँ पर 10,000 रुपए यहाँ पर कम होते जाएंगे। जैसे 8वें स्थान के लिए 90,000 रुपए और 9वें स्थान के लिए 80,000 और 10वें स्थान के लिए 70,000 रुपए दिए जाएंगे। ये 16वें स्थान तक यानी 16वें स्थान पर रहने वाले को 10,000 रुपए का इनाम मिलेगा। कंपनी ने कहा है कि इस टूर्नामेंट के जरिए प्लेयर्स को यहाँ पर ग्रेड स्टेज पर अपने स्किल दिखाने का मौका मिलेगा। इस घोषणा के साथ क्रिप्टो ने कहा कि वो इसके जरिए वो प्लेयर्स को काफ़ी यहाँ पर इसके जरिए वो प्लेयर्स को काफ़ी रोमांचक टाइम देगा, क्योंकि ये नए कंटेंट सीरीज की शुरुआत है। इसलिए रजिस्ट्रेशन 19 जुलाई से शुरू होगी। इसमें 3 महीने यहाँ पर
इसमें 3 महीने में 5 चरण होंगे। इन गेम क्वालिफायर 2 अगस्त से शुरू होगा, वही 8 अगस्त को ये खत्म होगा, जिसमें रजिस्टर करने वालों को इन गेम क्वालिफायर खेलने के लिए भारतीय जो प्लेयर है भारत का रहने वाला होना चाहिए, इसका अकाउंट प्लेट नेम या फिर उससे ऊपर यहाँ पर होना चाहिए। भाई बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया सीरीज 2021 के लिए रजिस्टर हो चुके खिलाड़ियों को 15 मैच रजिस्टर टीम के साथ ये समय के साथ खेलने होंगे। भाई 15 मैच के टॉप 10 मैचों के आधार पर स्कोरिंग यहाँ पर की जाएगी। ट्राई होने पर स्थिति में दूसरे पैरामीटर देखे जाएंगे, फिर टॉप यहाँ पर 1024 टीमें अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेगी। ऐसे में अगर आप भी गेमर हैं तो आप इस टूर्नामेंट में भाग लेना चाहते हैं तो आप 19 जुलाई को इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद आप मैच में बढ़िया परफॉर्मेंस करके आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो यूपी में पराग ने बढ़ाए हैं दूध के दाम, 2 रुपए महंगा हुआ है दूध। अमूल और मदर डेयरी भी कर चुकी है कीमतों में इजाफा। आम लोगों को फिलहाल महंगाई से राहत मिलती नहीं दिख रही है, उनके जेब पर और बोझ बढ़ने वाला है। उत्तर प्रदेश में पराग मिल्क ने अपने दामों में वृद्धि कर दी है। अब पराग का दूध 2 रुपए महंगा मिलेगा, नई कीमतें आज से लागू हो गई है। आपको बता दें कि इससे पहले मदर डेयरी और अमूल ने भी अपने पर दूध की कीमतें बढ़ाई थी। वही दिल्ली NCR में रहने वाले लोगों के लिए मदर डेयरी ने 11 जुलाई को अपने दूध की कीमतों में 2 रुपए का इजाफा करने की घोषणा की थी। वही अमूल ने भी 1 जुलाई से दूध की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया था, जिसके बाद देश भर में अमूल दूध 2 रुपए महंगा हो गया था। गुजरात दुग्ध सहकारी विपणन के अमूल के डॉक्टर यहाँ पर MDR सोडी ने बताया है कि इनपुट और प्रोडक्शन कास्ट बढ़ने की वजह से ये कदम यहाँ पर कंपनी की ओर से उठाया गया है, डेयरी की तरफ से उठाया गया है। भाई दूध की कीमतें बढ़ने के बाद अब दूसरी डेयरी प्रोडक्ट की कीमतों में भी तेजी देखने को मिल सकती है। पनीर, माखन, घी, छाछ, लस्सी, आइसक्रीम के दामों में भी इजाफा हो सकता है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो 10 अगस्त को देश भर में बिजली कुल होने की आशंका, सरकार का एक फैसला बन सकता है इसकी पीछे की वजह। आगामी 10 अगस्त को देश भर में बिजली की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, सरकार का एक फैसला इसका मुख्य कारण बन सकता है। दरियाल संसद के आगामी सत्र में सरकार एक बिजली संशोधन विधेयक पेश करने वाली है, जिसका विरोध ये कर्मचारी कर रहे हैं। प्रस्तावित संशोधन विधेयक के खिलाफ 10 अगस्त को ऑल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन ने कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। इस एक दिवसीय कार्य बहिष्कार पर फेडरेशन के कर्मचारी और बिजली इंजीनियर इसमें शामिल होंगे। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फेडरेशन ने सरकार से मांग की है कि संसद के मानसून सत्र के लिए सूचीबद्ध विधेयक को जल्दबाजी में ना लाया जाना चाहिए। साथ ही अपील की है कि संसद में पेश करने की बजाय विधेयक को चर्चा के लिए ऊर्जा पर स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए। अब बात करते हैं आज के मौसम समाचारों की, देश भर में छाया है मानसून, महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश के हैं आसार। मानसून ने पूरे देश को कवर कर लिया है, जबकि आमतौर पर ऐसा यहां पर 8 जुलाई को हो जाता, लेकिन इस बार 13 जुलाई को मानसून ने कवर किया था। वही इस बात की जानकारी मौसम विभाग ने कल ही यहां पर दी थी। वही पूरे देश में उपस्थिति मानसून करा चुका है। वही दक्षिणी पश्चिम मानसून की रफ्तार कर्नाटक में और तेज हो गई है। राज्य के कई जिलों में रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही इन 3 दिनों में कोंकण, गोवा में भारी बारिश के आसार है। वही दिल्ली में आज गरज चमक के साथ मध्यम बारिश हो सकती है। वही मौसम विभाग की तरफ से आज दी गई जानकारी के अनुसार आज गुजरात के कुछ हिस्सों, कर्नाटक के आंतरिक चौथ तटीय, कर्नाटक के कुछ इलाके और मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्र में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आइलैंड्स और अरुणाचल प्रदेश और असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सौराष्ट्र, कच्छ और मराठवाड़ा, तेलंगाना और केरल में भारी बारिश हो सकती है। ऐसा मौसम विभाग ने अपने अनुमान में यहाँ पर यह बात कही है। वही स्काईमेट वेदर के अनुसार देश के पश्चिमी तट पर खासतौर कोंकण और गोवा में मानसून सक्रिय, ऐसे में अगले 4-5 दिन कोंकण और गोवा में मध्यम से भारी बारिश इन इलाकों में हो सकती है। वही मौसम विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार अगले 24 घंटों में मुंबई उपनगरीय इलाकों में भारी बारिश होने का अनुमान है। कहा जा रहा है कि इस दौरान मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र समेत राज्य के तटीय जिलों में बारिश की तीव्रता और भी ज्यादा होगी। वही मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान चंडीगढ़, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान और कच्छ क्षेत्र में मध्यम से तेज बारिश का संभावना यहां पर है। इस दौरान यहां पर बाहर रहने वाले लोगों को लेकर चेतावनी जारी की गई है। वही मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दक्षिणी पश्चिम मानसून के यहां पर सामान्य से 5 दिन देरी से यहां पर पूरे राजस्थान में ये पहुंच चुका है, यानी पूरे राजस्थान में ये पहुंच चुका है। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मौसम विभाग के आंकड़े बताते हैं कि मानसून साल 2012 में 7 जुलाई को और साल 2016 में 9 जुलाई को और राजधानी दिल्ली में ये पहुंचा था। वही 2002 में राजस्थान में और दिल्ली में 19 जुलाई को मानसून की पहली बारिश हुई थी। वही दिल्ली शहर में 1987 में सबसे देरी से मानसून 26 जुलाई को मानसून आया था। आमतौर पर मानसून 27 जून तक दिल्ली पहुंच जाता है, 8 जुलाई तक पूरे देश में ये छा जाता है, लेकिन इस बार मानसून 5 दिन देरी से आया है।
मतलब 5 दिन देरी से पूरे देश में फैला है। वही पिछले साल 25 जून को मानसून दिल्ली पहुंचा था, वही 29 जून तक पूरे देश में छा गया था। इस बार मानसून दिल्ली में सबसे अंत में आया है। वही सोमवार को मानसून दिल्ली को तरसाता छोड़कर आखिरी पड़ाव पर राजस्थान और जैसलमेर गंगानगर तक पहुंच गया। वही राजस्थान के रेगिस्तानी जिलों में बाड़मेर में मानसून सामान्य की तारीख से 2 हफ्ते पहले ही पहुंच चुका था। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो राजधानी दिल्ली में अभी नहीं खुलेंगे स्कूल, केजरीवाल बोले नहीं उठाना चाहते हैं किसी तरह का कोई भी जोखिम। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले भले ही कम हो गए हो, लेकिन फिलहाल सरकार स्कूलों को खुलने को लेकर तैयार नहीं है। गुरुवार को जब मीडिया से बातचीत के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली में स्कूल फिलहाल नहीं खुलेंगे। उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही जानकारियों से पता चलता है कि कोरोना की तीसरी लहर भी आने वाली है, इसलिए जब तक टीकाकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम कोई भी जोखिम उठाना नहीं चाहते हैं। वही दिल्ली में तमाम यहाँ पर कार्यों के बावजूद वहाँ पर दिल्ली में छूटें भी आपस सरकार की ओर से दी गई है। वही तमाम नुकसानों को सहने के बाद किसी तरह की कोरोना की दूसरी लहर से दिल्ली बाहर निकल पाई है। विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल भले ही कोरोना के दैनिक मामले घट गए हो, लेकिन अगर कोविड नियमों का पालन लापरवाही के साथ अगर किया गया, अगर लापरवाही के साथ अगर पालन नहीं किया गया तो तीसरी लहर आने में देर नहीं लगेगी। वही तीसरी लहर के संभावित खतरे को देखते हुए राजधानी में तमाम स्तर की तैयारियां की जा रही है, केजरीवाल की ओर से कहा गया है।